खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से है, जहां बीजेपी किसान मंडल मोर्चा ने बारिश से खराब हुई फसलों का मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। दरअसल पहले कम बारिश और बाद में अतिवृष्टि होने से किसानों की मक्का, सोयाबीन जैसी कई फसलों का नुकसान हो गया। वहीं इस मौके पर कपासन विधायक राशमी, मंडल अध्यक्ष पहुना, मंडल अध्यक्ष सहित बीजेपी कार्यकर्ता और किसान मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी मंडल राशमी और पहुना के द्वारा कार्यकर्ताओं ने फसल खराबे का ज्ञापन दिया और इस ज्ञापन में बताया कि हमारे क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, तिल्ली, उड़द, मूंग, मूंगफली ये सब खराब हो गई है। और अभी तक सरकार कांग्रेस की है राजस्थान में, न तो गिरदावरी की है, न इन काश्तकारों को मुआवजा देने की कोई कार्रवाई चालू की है।